हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो वर्कशीट 4 में दिए पूछ रहा है फाइंड द सम। अब यहाँ पे देखो सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मीन्स पॉजिटिव साइन जो होती है एडिशन करना, ये हमारा सम कहलाता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या 2/8 प्लस 5/8 है। तो यहाँ पे देखो लाइक फ्रैक्शन को सम करने के लिए कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या लिखना, दिस इज इक्वल टू ए पूरा ऐसे मिलाया, 8 नीचे लिखा, इसको कॉपी किया यहाँ पे और 2 और 5 को ऐड कर लिया, कितना आ गया 2 5 कितना 7, 7/8 पहले के आंसर आएगी। जैसे मतलब इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 3/7 प्लस 3/7 दिस इज इक्वल टू ऐसे लिखा, यहाँ पे 7 को कॉपी किया, दिस इज इक्वल टू क्या हो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 6/7 आ गया है ना, ऐसे करते हैं। अब इसको और भी हम देख लें कि अगर आप इसको मीन्स इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप जब भी फ्रैक्शन को ऐड करने की बात आती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों सेम हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, है ना। दिस इक्वल टू लिखा आपने, एक लाइन इस तरह डिवाइड वाला इतना खींचा, और ये जो डिनोमिनेटर दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर है सेम डिनोमिनेटर, उसको यहाँ पे नीचे कॉपी किया लिखा, और ऊपर क्या लिखा आपने, पहले का न्यूमरेटर लिख दिया प्लस 4 और बीच में जो भी साइन रहेगी, अगर प्लस है यहाँ पे तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, आप यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6/6 जिस किसी में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहता है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। कोई भी अगर हो 8/8 आता है, न्यूमरेटर यहाँ पे और डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों ही सेम है, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब आप किसी में भी इस तरीके से कर सकते हैं। ओके,